मेरा माथा है ना गुस्सा से फटा जा रहा है, हमको लग रहा है ना क्या करे क्या ना करे। बोलता है कि जाओ अंदर, तो हम बोले किस चीज का जाए, एग्जाम देने आया तो एग्जाम ही तो हम नहीं दे पाएंगे, रीटेस्ट होगा पर रीटेस्ट तो नहीं होगा। हम बोले अच्छा ठीक है, तो हम घर जा रहे हैं। देख सकते हैं अभी टाइम में कितना हो रहा, 10:25 हो रहा। इतना एक तो पढ़ के जाओ, ऊपर से पता चले कि जस्ट फॉर वन रीजन नहीं टेस्ट देने देगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम बहुत जल्दी निकल गए हैं, मतलब 7:20 हो रहा है अभी और हम निकल चुके हैं। मतलब मस्त आराम से टहलते टहलते जाएंगे, क्योंकि कल कुछ पंगा हो गया था वेंडर सर के साथ। सर बोलते हैं कि तुम रोज लेट आते हो। हम मतलब मानते हैं हम लेट से निकलते हैं, लेकिन गेट के अंदर हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं, इतना स्पीड में ही जाते हैं। कल सिर्फ लेट हो गया, सर बोलते हैं रोज लेट होते हैं, उसके चलते हम बकचक करने लगे, हमें रोज लेट होते ही नहीं है। तो बोला कि तुम नहीं, तुम घर चल जाओ, इतना तर्क वितर्क नहीं करना होगा। तो बोले आप पेरेंट्स को बुलाइए, किसी को बुलाइए, हम तो रोज लेट नहीं होता, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप मेरा डायरी चेक कर लीजिए, डायरी में तो लिखा हुआ रहता है अगर लेट होता है तो। लास्ट लेट कब लिखा हुआ पता है, 10/11/2023 हो गया, 1.5 महीना हो चुका है ऑलरेडी। हम बोले सर 1.5 महीना पहले ही हुए, नहीं तुम रोज होते हो। खैर वो सब छोड़िए, वो सब तो बात चलते रहता है। मेरा पैंट देखिए, मेरा पैंट कल फट गया, इसलिए हमको घर वाला पैंट पहन के जाना पड़ा। पापा आज बोले कि आज खरीद देंगे। कसम से मतलब है ना, जब सुबह उठे ना तो ठंडा नहीं लग रहा था। हम मतलब रात को है ना सिर्फ पैंट पहन के सोए हुए थे, वो भी हाफ पैंट पहने हुए थे, खाली गंजी सोए हुए थे, ओढ़ के बांधते सोए हुए थे। लेकिन सुबह उठे, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं पहने, ब्रश किए, मुंह धोए, हल्का सा बदन पोंछ लिए, उस समय भी ठंडा नहीं लगा। लेकिन बाहर निकल गए वो बाद पूरा चारों तरफ बदरी ही बदरी, अभी हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और जबकि यही टाइम में कल धूप उगा हुआ था हल्का सा, तो अभी पूरा एकदम बदरी है, ठंडा लग रहा है हमको। खैरियत हम ये पहन के, हम तो ये बिना पहने निकले थे ब्लेजर का, हम सोचे थे आज ब्लेजर पहन के ही नहीं जाएंगे, क्योंकि नीचे पैंट दूसरा पहने हुए अच्छा नहीं लगेगा ब्लेजर। लेकिन हम सोचे भाड़ में गया दुनिया वाला, वो लोग को सोच रहे तो जो होगा सो होगा, हम पहले ठंडा से बचे, इसे भी गला दर्द हो रहा है, कहीं और ज़्यादा होने लगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। जैसे कि देख सकते हैं टाइम 7:35 होने वाला है। नॉर्मली हमको 5 मिनट लगता है दौड़ के आने में, लेकिन आज थोड़ा आराम आराम से आए, मतलब एकदम रेस्ट लेके आए, 15 मिनट टाइम लगा है। वैसे पूरा 15 मिनट हुआ नहीं, नीचे जाते जाते 15 मिनट हो जाएगा। खैर बातचीत यहीं पर भी रोकते हैं, तो स्कूल के बाद यही रास्ता में मिलेंगे। ये रास्ता में स्कूल का आता है भीड़ रहता है, अगर ये रास्ता में नहीं मिले तो दूसरा रास्ता में मिलेंगे। गाइस बहुत दुखद खबर है, दुखद खबर ये है कि स्कूल मतलब मैं पैंट नहीं पहन के गया था, आप लोग को पता है ये वाला पैंट पहन के गया था, तो प्रिंसिपल सर अलाउ नहीं किया, बोले कि बैठो थोड़ा देर बैठो, जब सब चल जाएगा असेंबली हो जाएगा उसके बाद फिर ऊपर चल जाएगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो बैठ गए हम जाके ऑफिस के पास, बैठे सब, बहुत सारा लड़का लोग और आया जो लेट से आया, वो लोग भी साथ में बैठा, मेरे साथ और मिनिमम 20-25 बच्चा बैठा हुआ था। सबको को बोला वेट करो जाने दे, थर्ड पीरियड में टेस्ट भी नहीं देने दिया लिटरली। मतलब सर लगता है ना क्या भूल गया क्या पता नहीं, को सब यार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उनको अभी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इतना एक तो पढ़ के जाओ, ऊपर से पता चले कि जस्ट फॉर वन रीज़न नहीं टेस्ट देने देगा। अरे मेरा क्या गलती है, जो स्टोर है स्कूल का सिर्फ एक ही कोई स्टोर है जहाँ पर मिलता है यूनिफॉर्म, वो भी मतलब बोला कि मेरा साइज़ का अवेलेबल नहीं, आ जाना। तो आज हम कहाँ से लेके आएंगे, हम तो खुद तो प्रोड्यूस नहीं करते पैंट को। अब बोलता है कि जाओ अंदर, तो हम बोले किस चीज़ का जाए, एग्ज़ाम देने आया तो एग्ज़ाम ही तो हम नहीं दे पाएंगे, रीटेस्ट होगा पर रीटेस्ट तो नहीं होगा। हम बोले अच्छा ठीक है, तो हम घर जा रहे हैं। देख सकते हैं अभी टाइम में कितना हो रहा, 10:25 हो रहा, हम घर निकल गए। स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। आंटी रोज हमको देखती है ना वीडियो बनाते हुए, इसीलिए बोल रहे थे आज ब्लॉगिंग नहीं करेगा, तो लोग फिर ब्लॉगिंग करने लगे। मेरा माथा है ना गुस्सा से फटा जा रहा है, हमको लग रहा है ना क्या करे क्या ना करे। जैसे प्रिंसिपल सर, वेंडल सर, रूबिन सर, कभी जिंदगी में मतलब कोई गलती से कोई चीज रखी हो, अरे मेरा क्या ही गलती था। हम बस बोले पिछले हफ्ता सेम एक और लड़का था, कॉमर्स का था, जीन्स पहन के आया था, उसका भी पैंट फट गया था, उसको अलाउ कर दिया। लेकिन हम बोले सर का लगता आज मूड खराब था, इसकी वजह से सर बोले बैठो, अब बैठो बैठो करते करते इतना देर हद है।
क्या बोले कुछ बोल भी दे सकते, खैर टीचर है तो कोई बात नहीं। हिंदी का ही टेस्ट था, 10 मार्क्स का ही था। तो सिर्फ आज का दिन मेरा अच्छा है, स्कूल के बाद सोनू भैया हमको मिल गए तो साइकिल में मस्त हम लोग दोनों को मिल के जा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं आज सोनू भैया का नया साइकिल है, रेड और ब्लैक कलर में। आप लोग को दिखाने भूल गए थे तो आज आप लोग देख लिए। जैसे कि आप लोग को पता है आज अभिराज स्कूल जाने वाला है, तो स्कूल में अभिराज का डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना होगा। तो ये रहा सारा डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर है, मतलब वही कि अभिराज का उंगली टूट गया था और जितना भी डॉक्टर का लिखा हुआ सब कुछ चाहिए प्रिंसिपल को। तो वही जा रहे जीरोक्स करवाने के लिए। और ये रहा मेरा आज का आउटफिट, ये दूसरा आउटफिट है, नाइकी के शूज के साथ चेक ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट, मस्त लगता है रेड कलर का शूज, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। वैसे मम्मी हमको बोल रही थी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है और अभिराज के लिए कुछ सीक्रेट सरप्राइज है जो उसको शाम को मिलेगा। तो मम्मी बोली तुम जीरोक्स करवा लो, अभिराज को पहले सब डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम आ जाए, उसके बाद फिर दिखाएंगे। तो हम बोले अच्छा ठीक है, हम फटाफट अभी जीरोक्स करवाएंगे। वो लोग आस्ते आस्ते आ रहा, कपड़ा पहन रहा अभिराज, तो उसको सब तैयार करके मम्मी आएगी, हम जीरोक्स दुकान में रहेंगे, जीरोक्स करके वो लोग को दे देंगे सब कुछ, हम फिर घर चल जाएंगे। क्योंकि घर में मम्मी मतलब भात चढ़ा चुकी है और मम्मी के साथ हम जा नहीं सकते, भात चढ़ा हुआ फिर भात जल जाएगा, तो चावल भात एक ही होता है। तो गाइज जैसे कि मैं बताया था मम्मी कुछ गिफ्ट देना चाहती है, तो वो इसके अंदर है। हमको तो देख के लग रहा बॉक्स चॉकलेट वॉकलेट होगा कुछ हो। देखते खैर छोड़ो, कहीं गाड़ी तो नहीं है, कुछ भी हो सकता, क्या पता खुल जाए। हमको लग रहा अरे घड़ी है, देखते कैसा डिजाइन का। ओ वाह का मस्त डिजाइन का है, ये मेटल का है चेन स्ट्रैप। तो ये मम्मी अपने ले ली है। अरे वाह डिजाइन तो बड़ा मस्त है, और इसका जो डिब्बा दिया हुआ है ये भी बड़ा मस्त है। अरे वाह स्पोर्ट वॉच भी है, खतरनाक। अभिराज का, ये अभिराज का है, ये शायद मेरा है, ये मम्मी का है। दिन प्रति दिन घड़ी का कलेक्शन बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। खैर फटाफट पहनते हाथ में, देखते कैसा लगेगा। मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया, इट्स डिफरेंट वॉच। खैर इसके अंदर स्टेनलेस स्टील है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ स्टेनलेस स्टील। अरे वाह, खैर फटाक से पहनते हैं हाथ में, वेटेड मस्त लग रहा है, थोड़ा लूज है, इसको टाइट करना पड़ेगा। गाइज स्पोर्ट वॉच भी बड़ा मस्त लग रहा है देखने में यार, खासकर अंदर में जो ब्लू कलर का टोन दिया हुआ वो भी बड़ा मस्त लग रहा है। मम्मी थैंक यू। तो गाइज जैसे कि देख सकते हैं मेरा रूम का लाइट पूरा ब्लू ब्लू हो गया है। और हाँ हम तब से सोए हुए थे, स्कूल से आए घर साफ सुथरा किया, आप लोग को दिखाया वो सब, और फिर उसके बाद हम जो सोए हैं डायरेक्ट मेरा नींद खुला है 2:45 बजे। खैरियत हम अलार्म लगा के सोए थे, अगर अलार्म लगा के नहीं सोए रहते ना तो भी मतलब नींद खुलता ही नहीं। उठे उठ के खाना पीना खाए, लाइट ऑन करके खाना पीना खाए, लेकिन सोचे जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लाइट ऑफ करके करेंगे। और ये ब्लू कलर का लाइट अभी लगा दिया, मस्त लग रहा। तो गाइज स्कूल के बाद हम कोचिंग गए थे, कोचिंग से अभी मेरा छुट्टी हो चुका है और भैया वहीं पे है कोचिंग में ही। तो कोचिंग से हमको फोन वो दे दिया कि तुम जाके थोड़ा सा व्लॉग व्लॉग बना लेना, क्योंकि सुबह से कुछ बना नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं ये है बिल्डिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बिल्डिंग का आपको क्यों वीडियो कर रहा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि भैया बोले कि कुछ भी बना देना, सुबह से कुछ भी नहीं बना है। तो जैसे कि देख सकते हैं वो लाल गाड़ी है, उधर पे एक तो मंदिर है, इधर ग्रीन लाइट्स है, तो मतलब कुछ भी, मतलब भैया बोले कि सुबह से कुछ भी नहीं बना है तो कुछ भी बना देना, तो हम कुछ भी बना दे रहे हैं। देखिए गाइस ये रास्ता है। अरे इतना ज्यादा पागलामी नहीं करेंगे, हम सीधा घर पे मिलते हैं। मेरा भूख मिटाने के लिए ऑमलेट का सब्जी, आलू, ग्रेवी और राइस,
तो चलो खाते हैं, क्योंकि बहुत जोर भूख लगी है और अभी तक भैया आए नहीं हैं। तो जब आएंगे तब हम बता देंगे। बहुत सारा क्लिप कर लिए हम आपके साथ, बहुत सारा पगलामी भी किए हैं। चर्णिका मैम का कोचिंग से आ चुके हैं मस्त, अब थोड़ा सा लेटे हुए हैं। अभी राज मेरे लिए लाने गया है चाउमीन, तो हम चाउमीन खाएंगे क्योंकि हमको बहुत ज्यादा मन कर रहा है। अपना मन को मारना नहीं चाहिए, तो अपना मन को मानते हुए हम चाउमीन खाएंगे। अब वो रूम में मीटिंग चल रहा है तो बातचीत हो रहा है, इसीलिए आप लोग को आवाज आ रहा होगा। खैर अभी हम जा रहे हैं बाजार, क्योंकि हमको थोड़ा मेडिसिन वगैरह लेना, ये रहा चिट्ठा मतलब चिट्ठा, तो फटाफट मेडिसिन ले ले, उसके बाद फिर एडिटिंग करेंगे। अभी आज के साथ थोड़ा कुश्ती करेंगे हम, पटका पटकी, उसके बाद सोएंगे। गाइज हम बहुत बड़ा भकलोल आदमी है, कैसे हम बताते हैं। चाउमीन खाए, वीडियो नहीं बनाए, भूल गए वीडियो बनाने ही भूल गए हम। जब पूरा चाउमीन कंप्लीट हो गया, हाथ धो लिए, तब याद आ वीडियो तो नहीं बनाए। तो गाइज मेरे में दम नहीं है अभी राज के साथ कुश्ती खेलने का, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल कुश्ती खेलेंगे, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाथ दर्द है तो क्या हुआ, कुश्ती खेल लेंगे फिर भी, मम्मी बोल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।